हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि फाइनली वो चीज़ हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल गई जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे, यानी कि जे उसो ने अटैक कर दिया रोमन रेंस पर एंड उन्होंने चुन लिया अपने ब्रदर जिमी उसो के साइड को, यानी कि ब्लड लाइन का एक तरह से हो चुका है दी एंड। बट क्या इस स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलने वाला है एक काफी बड़ा ट्विस्ट एंड रिटर्न देखने को मिलने वाला है रियल हेड ऑफ द टेबल रियल ट्राइबल चीफ दी रॉक का? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ WWE ने किस पेपर व्यू का रिटर्न कर दिया है अनाउंस। इसके अलावा स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस पर अटैक होने के बाद क्या कुछ देखने को मिला? तो गाइस, सबसे पहले हम स्मैकडाउन के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है इस वीक का स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और फैंस जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिरकार जे उसो किसकी साइड चुनने वाले है, अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साइड या फिर अपने ब्रदर जिमी उसो की साइड। तो हमें मेन इवेंट में रोमन रेंस एंड जे उसो आमने सामने आते हुए दिखते। सबसे पहले रोमन रेंस जे उसो को ये बोलते हैं कि पिछले 10 साल से तुम दोनों एक साथ थे लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन तुम पिछले 3 साल से मेरे साथ हो और तुमने स्मैकडाउन को मेन इवेंट किया है, पेपर व्यू को मेन इवेंट किया है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, यानी कि मैंने तुम्हें बनाया है मेन इवेंट जे उसो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम वो सुपरस्टार बनो जो कि हमारी फैमिली को आगे लेकर जाए। और इस चीज से जिसको प्रॉब्लम है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई जिमी उसो, क्योंकि राइट हैंड मैन मैंने तुम्हें बनाया वो जिमी उसो को पसंद नहीं आया। फिर जे उसो जिमी उसो से बोलते हैं क्या ये सच है? जिमी उसो बोलते हैं कि हाँ सच है। फिर जे उसो बोलते हैं कि मैं तुमसे ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए तुम अब आउट हो ब्लड लाइन से। और भाई रोमन रेंस पूरी तरह से हो जाते हैं खुश, लेकिन उसके बाद जे उसो बोलते हैं और मैं भी, एंड वो अचानक सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेंस को और फिर सोलो सिक्वा अटैक करने की कोशिश करते हैं उसोस पर, लेकिन उसोस उन पर ही कर देते हैं अटैक। फिर उसके बाद रोमन रेंस गुस्से में उठते और इस बार आता है भाई डबल सुपर किक उसोस के तरफ से रोमन रेंस पर, एंड रोमन रेंस हमें पूरी तरह से डाउन होते हुए दिख जाते हैं, यानी कि स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन का एक तरह से देखने को मिल गया दी एंड। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन के बाद भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हुआ क्योंकि WWE ने खुद इसकी वीडियो अपलोड की है जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस धीरे धीरे उठते हैं और भाई पॉल हेमन वहां पर रो रहे थे एंड रोमन रेंस रिंग में बैठकर कुछ सोच रहे थे, तभी वहां पर क्राउड चैंट करता है यू डिजर्व इट एंड फिर रोमन रेंस चले जाते बाहर एंड वो एंड सोलो सिक्वा एक दूसरे को देखते हैं एंड चले जाते फिर बैक स्टेज। यानी कि गाइस, स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें ब्लड लाइन के इमोशंस देखने को मिले जो कि स्टोरी लाइन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि यहां से देखकर लग रहा है कि रोमन रेंस के साथ ये क्या हो गया उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप किसके साइड पर हो, उसोस के या फिर रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा के, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE ने किस पेपर व्यू का रिटर्न कर दिया है अनाउंस। सो गाइस, ये पेपर व्यू कोई और नहीं बल्कि वही पेपर व्यू है जहां से रोमन रेंस की रेन हुई थी शुरू, यानी कि पेबैक। आप सबको पता है ये पेबैक लास्ट हमें देखने को मिला था 2020 में जहां पर रोमन रेंस ने फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर जीती थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन उसके बाद से हमें पेबैक का पेपर व्यू WWE में नहीं देखने को मिला और इस साल वो रिटर्न करने जा रहा है और गाइस उसकी डेट होने वाली है 2 सितंबर और लोकेशन होने वाली है पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। सो लेट्स सी कि इस पेपर व्यू में क्या कुछ होता है बड़ा, क्योंकि ये समर स्लैम के बाद का पहला पेपर व्यू होने वाला है। वैसे क्या आप सब एक्साइटेड हो पेबैक के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें रियल हेड ऑफ द टेबल रियल ट्राइबल चीफ दी रॉक का देखने को मिलने वाला है रिटर्न। सो जैसा कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के होने के रूमर हर रेसलमेनिया में आते हैं, नेक्स्ट रेसलमेनिया में भी चल रहे, क्योंकि अपडेट्स लगभग रेसलमेनिया 39 के टाइम में निकल कर आ गई थी कि रॉक रेडी है नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में रेसल करने के लिए। लेकिन हम फैंस इसे ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे क्योंकि हर साल ही ऐसे रूमर्स आते। बट क्या WWE खुद हमें हिंट कर रही है कि वो प्लान कर रही है रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक का मैच? तो आप सबको पता ही है रेसलमेनिया 37 में चांसेस थे रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच के होने के, इसलिए उससे पहले हमें रोमन रेंस की फ्यूड उसोस के साथ देखने को मिल रही थी। लेकिन जब ऐसे रूमर्स आए कि रेसलमेनिया 37 अब शिफ्ट हो चुकी है रेसलमेनिया 39 में, देन फिर WWE ने ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को कर दिया खत्म और अब फिर से गाइस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन हो चुकी है शुरू, क्योंकि अब 2020 के बाद ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है पीक पर। सो गाइस, एक्सपेक्टेड है कि ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, समर स्लैम तक तो चलने वाली, उसके बाद तक भी हमें चलते हुए दिख सकती है। एंड गाइस, किसी स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें WWE रॉक का रिटर्न करते हुए दिख सकती है अनाउंस, जहां पर हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच टीज होते हुए दिख जाएगा रेसलमेनिया 40 के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर समर स्लैम में उसोस फेस करते रोमन रेंस को, देन वहां पर हमें रॉक का देखने को मिले रिटर्न। यानी कि गाइस, रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस स्टोरी लाइन में रह सकती है और हमें ये देखने को मिल सकता है कि उसोस हमें
वापस लाते हुए दिखे दी रॉक को, यानी कि वो रोमन रेंस को बताया कि आखिर कौन है रियल हेड ऑफ द टेबल, कौन है रियल ट्राइबल चीफ, यानी कि जब रॉक रिटर्न करेंगे तो उसोस रहने वाले उनके साइड पर। इसलिए गाइस इस स्मैकडाउन से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई है, अब लेट्स सी कि ये एंड कहां पर जाकर होती है। और आप सब जानते हो चांसेस ज्यादा ये है कि वो एंड होने वाली है रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बाद ही। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे कि क्या आपको लगता है नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन होगा या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।